हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। तो आज के वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, यदि आप करेला खाने के शौकीन हैं तो आप करेले आप अच्छे से खा सकते हैं और ये कड़वे भी नहीं ज़्यादा लगेंगे करेले। इसके लिए आपको ये टिप्स एक फॉलो करना होगा। तो ये करेले जो मैं लेके आई मार्केट से, पहले मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया अच्छे से, ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। और डस्ट वगैरह जब हम ये निकल जाएगी तो हम इसका छिलका भी यूज़ कर पाएंगे। ये छिलका कई बार आप सभी फेंक देते हैं, तो बहुत यूज़फुल है इसका छिलका। आप इसके छिलके की भुजिया बना के खा सकते हैं, चने की दाल के में डाल के आप इसकी भुजिया बना के खा सकते हैं, आप इसकी चटनी बना के खा सकते हैं। तो आप वैसे सब्जी तो बना के खा ही सकते हैं करेले की। तो आपने क्या करना, 2-3 घंटे के लिए आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप वो 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। इसको वॉश कर लें, 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको इसमें थोड़ा सा आप 1 चम्मच नमक डाल दें, ऐसे ही नमक डाल दें। काटने के बाद तो डालेंगे इस तरीके से। जब आप 2-3 घंटे के लिए भिगोएंगे ना, तो एक इसमें बड़ा चम्मच नमक डाल दें। नमक से क्या होगा ना, एक इनमें जो भी कड़वाहटपन है वो आधी कड़वाहटपन तो इसी तरीके से निकल जाएगी। और जब छीलने के बाद इसमें आप नमक लगा के रखेंगे ना करेले में 1/2 घंटे के लिए, तो आधा करेले का कड़वाहटपन वैसे भी निकल जाएगा। तो ये बहुत जल्दी इनकी जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी, और बगैर कड़वे लगे ये करेले आपके बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे अगर आप ये मेरे बताए हुए टिप्स फॉलो करेंगे। तो अगर आपको मेरे आज के टिप्स पसंद आए, यूज़फुल लगें करेले से रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल फ्री चैनल को चैलेंज, चैनल को वो करना हेल्प करें, चैनल को फ्री सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। उसमें बहुत अच्छे अच्छे मैंने करेले के भी वीडियोज़ डाले हुए हैं, तो आप वो चेक करें, बहुत हेल्पफुल हैं वो वीडियो आपके लिए। और ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसके टिप्स फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगेन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल फ्री चैनल को चार्ज नहीं, चैनल को ग्रो करना हेल्प करें, चैनल को फ्री सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।